News 18, India. जो नम संबंध बेतर शत्रु राष्ट्र अवर प्रकार पाकिस्तान नमगद शत्रु राष्ट्र अल नम पकल राष्ट्र ये पूछना चाहते हैं ये मोहब्बत की दुकान में पाकिस्तान के लिए इतनी मोहब्बत क्यों नजर आ रही है? बीजेपी शुड टेल अस व्हाई डिड द प्राइम मिनिस्टर मेक अनशेड्यूल्ड स्टॉप टू पाकिस्तान टू ईट वेजिटेबल बिरयानी। प्रायोजित आतंकवाद और पाकिस्तान के आतंक के अखाड़े को तो मोदी जी ठीक कर लेंगे, आप अपने परिवार को ठीक करो पहले। कर्नाटक की सरकार का नाम ही रख देना चाहिए मुस्लिम लीग की सरकार। If it is an enemy state, why does BJP having all kind of trade with Pakistan? This is a danger to our security of the country and the democracy of this country. शत्रु देश के साथ कांग्रेस का इस प्रकार का जो अगाध प्रेम है समय समय पर क्यों झलकता है? गारंटी योजना not being able to clearly see who is enemy and who is not enemy. The question is whether the Congress party truly considers India as its own. कांग्रेस सांसद नासिर हुसैन के समर्थकों का पाकिस्तान जिंदाबाद नारेबाजी का विवाद अभी थमा भी नहीं था कि 27 फरवरी की शाम को कर्नाटक विधानसभा के बाहर पाकिस्तान पर नारेबाजी के आरोप लगे। और इसके 48 घंटे भी नहीं बीते कि कर्नाटक में ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद पीके हरिप्रसाद का पाकिस्तान प्रेम देखकर देश हैरान रह गया। राष्ट्र जो नम संबंध बे मतरे शत्रु राष्ट्र अवर प्रकार पाकिस्तान नमग शत्रु राष्ट्र अल नम पकल राष्ट्र इकरार दो तरफा है, इसलिए मैं बहुत साफ पूछना चाहता हूं। एक तरफ आप अपराधी आतंकवादी तत्वों को समर्थन दे रहे हैं और दूसरी तरफ खुलेआम ये बयान दे रहे हैं, तो इंडी गठबंधन और राहुल गांधी जी से हम ये पूछना चाहते हैं कि मोहब्बत की दुकान में पाकिस्तान के लिए इतनी मोहब्बत क्यों नजर आ रही है? कांग्रेस नेता के इस बयान पर बीजेपी भड़क गई। बीजेपी ने कांग्रेस नेता के इस बयान की कड़ी आलोचना की है। बीजेपी ने कहा कि पाकिस्तान के प्रति कांग्रेस का क्या रुख है, अब ये जाहिर हो चुका है। जो हमारे कांग्रेस के लीडर जिनका बयान है पाकिस्तान के लिए प्रेम है, तो पाकिस्तान के प्रायोजित आतंकवाद और पाकिस्तान के आतंक के अखाड़े को तो मोदी जी ठीक कर लेंगे, आप अपने परिवार को ठीक करो पहले। आपका परिवार आपसे समझ नहीं रहा है, पूरे दुनिया का आप ठेका लेके बैठे हो। वेरी डिफिकल्ट टू फाइट अगेंस्ट बीजेपी इन गवर्नमेंट, सो बट इन द प्रोसेस ऑफ मोबिलाइजिंग द पीपल कांग्रेस मेनी अ टाइम्स इज अलाइनिंग विद द ऑल काइंड्स ऑफ फोर्सेस। यू नो आई डू नॉट से कांग्रेस पीपल हैव बिकम सपोर्टर्स ऑफ पाकिस्तान, बट इट इज अलाइनिंग विथ सो मेनी पीपल, सो मेनी ऑर्गेनाइजेशन, सो मेनी फोर्सेज, बिकॉज दे आर यू नो फेसिंग लाइट ऑफ डिफिकल्टीज। सो इन सच ए सिचुएशन मेनी ए टाइम्स दे आर अलाइंड विद द एंटी इंडिया फोर्सेस। देर आर सो मेनी एनजीओस एंड सो मेनी ऑर्गेनाइजेशन विच आर वर्किंग अगेनेस्ट इंडिया एंड इन द नेम ऑफ फाइट अगेनेस्ट बीजेपी दे आर ज्वाइनिंग एंड दीज पीपल आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई एंड कीप देम ऑफ। So, Congress ultimately has to understand they can always fight against BJP, but they should not be seen as fighting against India, which they are doing, not only here, even in Kashmir issues, they are doing this, and even in the context of Ram Janmabhoomi. पाकिस्तान पर भारत का स्टैंड साफ है कि जब तक सीमा पार से आतंक की सप्लाई होती रहेगी पाकिस्तान से बातचीत का सवाल ही नहीं उठता।
होली और बोली साथ साथ नहीं चल सकती, लेकिन इसके बावजूद भारत के अंदर हरि प्रसाद जैसे कई नेता हैं जिनकी नजर में पाकिस्तान दुश्मन देश नहीं है। I never said that. I said Pakistan is our neighbor state. It may be enemy state for Bharatiya Janata Party. If it is an enemy state, why does BJP having all kind of trade with Pakistan? They should declare Pakistan as an enemy state. Mr. Rajiv Chandrasekhar, when I was a member of Rajya Sabha, I had moved a private member bill to declare Pakistan as an enemy state. Why that bill was withdrawn? Why Bharatiya Janata Party withdrew that bill? क्या कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को ये नहीं समझना चाहिए कि पाकिस्तान के लिए बैटिंग करने से वो अपने ही देश का पक्ष दुनिया में कमजोर कर रहे हैं? बयान से विवाद के बाद भी हरि प्रसाद ने वही दोहराया कि उनकी नजर में पाकिस्तान दुश्मन नहीं है। क्वेश्चन इज नॉट वेदर कांग्रेस पार्टी सीज पाकिस्तान एज इट्स एनिमी, द क्वेश्चन इज whether the Congress party truly considers India as its own. हरि प्रसाद का पाकिस्तान को लेकर दिया बयान बीजेपी के जवाब में था, जिसमें कहा गया था कि मंगलवार को राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाए गए थे। पाकिस्तान की शाम को कांग्रेस सांसद नासिर हुसैन की जीत पर नारेबाजी हुई थी और इस पर कांग्रेस पार्टी को बचाव का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है। कांग्रेस पार्टी को भी लग रहा है कि उनके नेता के पाकिस्तान को लेकर दिए गए बयानों से बड़ा डैमेज हुआ है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी चुनाव के वक्त पाकिस्तान का मुद्दा उठाकर लाती है जिससे उसे फायदा पहुंच सके। There was a media bite by our leaders which was given and after that I was still there. So some of the supporters were shouting Nasir Saab Zindabad, Nasir Saar Zindabad, Nasir Khan Zindabad. At least I have not heard anybody shouting a slogan called Pakistan Zindabad. For all somebody has shouted this slogan, he has to be taken to task. Strict punishment should be given him. This is the favorite slogan for BJP. Loktantra ke mandir mein Pakistan Zindabad ke nare lagana दुर्भाग्यपूर्ण व निंदनीय है, पर मैं राहुल गांधी व खड़गे साहब से पूछना चाहता हूं कि वो नारे लगाने वाले कांग्रेस के विधायकों पर आपने अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की? नासिर हुसैन के मुद्दे पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने आवाज के सैंपल को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजने के निर्देश दिए हैं। सिद्धारमैया ने कहा है कि अगर ये सच साबित होता है और किसी ने अगर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया है तो उसे कड़ी सजा मिलेगी, लेकिन कर्नाटक की विधानसभा से उठा ये मुद्दा अब पूरे देश में कांग्रेस के लिए संकट बन चुका है। पाकिस्तानी तत्वों को, पाकिस्तानी शत्रुओं को संरक्षण क्यों दिया जा रहा है? पाकिस्तान के प्रति जो है इस प्रकार का प्रेम क्यों प्रकट किया जा रहा है? यह कांग्रेस को जवाब देना चाहिए और कांग्रेस को क्षमा मांगनी चाहिए। सोनिया गांधी को क्षमा मांगनी चाहिए, राहुल गांधी को क्षमा मांगनी चाहिए। जियोग्राफिकली दे आर आवर नेबर्स, बांग्लादेश इज आवर नेबर, नेपाल इज आवर नेबर, श्रीलंका इज आवर नेबर, बट बीजेपी शुड टेल अस व्हाई डिड द प्राइम मिनिस्टर मेक अनशेड्यूल्ड स्टॉप टू पाकिस्तान टू ईट वेजिटेबल बिरयानी। पूरे कर्नाटक में बीजेपी अब अटैकिंग मोड में है और कांग्रेस के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। कर्नाटक के कई शहरों में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की और कांग्रेस से देश को माफी मांगने के लिए कहा। कांग्रेस पर पहले भी आरोप लगते रहे हैं कि वो जाने अनजाने अपना पाकिस्तान प्रेम बाहर ले आती है। पिछले साल मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने पूरे गाजे बाजे के साथ जन आक्रोश यात्रा की तैयारी की और इसके लिए थीम सॉन्ग भी लॉन्च किया था, लेकिन उस थीम सॉन्ग पर भी बड़ा बवाल मचा। बीजेपी ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस ने अपनी जन आक्रोश यात्रा के लिए जो थीम सॉन्ग तैयार किया है वो इमरान खान के थीम सॉन्ग की कॉपी है। कांग्रेस के मणिशंकर अय्यर भी पाकिस्तान जाकर कह चुके हैं कि उन्हें वहां भारत से ज्यादा प्यार मिलता है। कांग्रेस पर आरोप लगे, उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक पर भी सवाल उठाया। इतने विवाद कांग्रेस के साथ हैं जिसका कनेक्शन पाकिस्तान से होता है। साल 1917 में भी गुजरात चुनाव प्रचार के वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि कांग्रेस अहमद पटेल को सीएम बनाने के लिए पाकिस्तानी दूतों के साथ सीक्रेट मीटिंग कर रही है।
इस पर कांग्रेस से सवाल पूछे गए थे कि मणिशंकर अय्यर के घर पाकिस्तानी दूतों के साथ कांग्रेस नेताओं की बैठक क्यों हुई थी।